हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज हम काज ऑफ द पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसका काज क्या है? ठीक है, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसका कारण है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट्स सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द काज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का कारण यही है क्योंकि एलिमेंट्स सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ग्रुप की। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ठीक है, फिर लिथियम में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में ही जाता है। ठीक है, 2s1 सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में जाता है, पोटेशियम में 4s1 में, फिर इसमें 5s1, 6s1, 7s1। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इन एलिमेंट्स की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं, तो पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का यही कारण है क्योंकि एलिमेंट्स सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा इन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है। मॉडर्न पीरियाडिक लॉ के मुताबिक एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, फिर उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, पोलराइजेशन ऑफ आयन्स एट्सेट्रा, ये पीरियाडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर्स के। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक लॉ, प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, फिर उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ आयन्स, एक्सेट्रा आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक लॉ प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम,
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, पोलराइजेशन ऑफ आयन्स एट्सेट्रा आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है बच्चों, इसमें जो वर्ड पीरियडिक है इसका ये मतलब है कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है, किसी पीरियड या ग्रुप में एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल वेरिएशन आती है, या तो प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द वर्ड पीरियडिक मीन्स विद राइज ऑफ एटॉमिक नंबर इन द पीरियड आर ग्रुप देर इज ग्रेजुअल वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। द वर्ड पीरियडिक मीन्स विद राइज ऑफ एटॉमिक नंबर इन द पीरियड और ग्रुप देर इज ग्रेजुअल वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज इंक्रीज और डिक्रीज। इसका ये मतलब है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीरियडिक फंक्शन इसका जिक्र किया, इसमें वर्ड पीरियडिक का मतलब ये है कि अगर एटॉमिक नंबर राइज करता है किसी पीरियड या ग्रुप में तो वहाँ पे ग्रेजुअल वेरिएशन आती है प्रॉपर्टी में। ग्रेजुअल वेरिएशन मीन्स कि थोड़ी चेंज होती है प्रॉपर्टी में, ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ता है प्रॉपर्टी में, या तो प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।